everyone, this is Kirtika Adav here and welcome back to my channel Little M Artist. So this video is all about Ganesh Chaturthi. So first of all, happy Ganesh Chaturthi to all of you. So इस वीडियो में मैंने अपने कंफर्ट जोन से हट के कुछ न्यू एंड क्रिएटिव ट्राई किया है एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. इसे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया है एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना एंड चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब इसी तरीके की मोर वीडियोज़ के लिए. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो गाइज़ यहाँ पर मैंने एक वेस्ट कार्डबोर्ड की हेल्प से एक सर्कल कट कर लिया है एंड आप लोग भी किसी भी कार्डबोर्ड की हेल्प से किसी भी साइज़ का सर्कल कट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी बड़ा आपको बनाना है. एंड इसके बाद अभी हम इस पर पानी एंड फेविकोल का एक पेस्ट बना के टिश्यू पेपर से इसको कवर करेंगे जिससे कि इसका बेस बन जाए. तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर करना स्टार्ट कर दिया है एंड इसी तरीके से मैं इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से कवर कर लूँगी जिससे कि इसका एक बहुत ही स्मूथ बेस बन जाए. तो गाइज़ ये देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है एंड ये ड्राई हो चुका है. तो अभी मैं यहाँ पे एक होममेड जैसो ले रही हूँ, इससे मैं इसको पूरा कवर कर लूँगी. तो इससे हमारा कलरिंग का बेस बन जाएगा, इससे हम इसके ऊपर जो भी करेंगे वो बहुत अच्छे से अप्लाई होगा. तो अभी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ इस पर, तो बहुत ही अच्छे से हम इसको इस पर अप्लाई कर लेंगे. तो गाइज इस पर हमने अप्लाई कर लिया है एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी. तो अभी मैं यहाँ पे गणेश जी की ड्राइंग बना रही हूँ. तो हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग गणेश जी की ड्राइंग कर लेंगे यहाँ पे. तो अभी हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है एंड हम इस पर क्ले अप्लाई करेंगे. तो ये फेविक्रिल के क्ले यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे. इसमें दो पैक आते हैं जिनको आपस में मिक्स करना होता है, तो हम अभी दोनों को निकाल लेंगे और उन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक. इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता हम इस पे पाउडर का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ये हाथों में चिपके ना. एंड उसके बाद हम इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे मैं फेविकॉल की हेल्प से जिस भी शेप में हमने ड्राइंग की है उसी शेप में मैं इसको उस पर पेस्ट कर रही हूँ. सो इसी तरीके से हम सभी एरियाज़ में इसको कवर कर लेंगे क्ले की हेल्प से. तो अभी ये कंप्लीट बन चुका है एंड ड्राई भी हो चुका है. तो अभी हम इसको पेंट करेंगे. मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल के. तो सबसे पहले मैं स्किन कलर बना रही हूँ ऑरेंज एंड वाइट को मिक्स करके. उसको हम सभी एरियाज में अप्लाई कर देंगे जितना भी स्किन वाला एरिया है. तो अभी मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर की हेल्प से आउटलाइन कर ली है जो भी शेप थी हमारी उस पर. एंड इसके बाद हम इसमें ग्रीन कलर का यूज़ कर रहे हैं इनकी गणेश जी की धोती बनाने के लिए एंड उनकी पगड़ी में. तो मैं यहाँ पे ज्वेलरी में येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ जिससे थोड़ा गोल्डन टेक्सचर आ सके. एंड देन मैं यहाँ पे सभी एरियाज़ में ब्राउन कलर और डार्क कलर का यूज़ करके आउटलाइन कर लूँगी. तो गाइज अभी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसके बाद हम इसका बैकग्राउंड करेंगे. एंड बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे एक कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ. यहाँ पे मैं सूजी का यूज़ कर रही हूँ. तो पहले मैं फेविकॉल अच्छे से लगा लूँगी एंड उसके बाद हम इसके ऊपर सूजी को पेस्ट करेंगे. तो इससे बहुत अच्छा एक टेक्सचर देखने को मिलेगा हमें बैकग्राउंड में. तो देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है इसका.
तो अभी मैं बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी सर्कुलेशन में ही। तो ये देखते हैं ड्राई हो चुका है ये हमारा बैकग्राउंड। तो अभी हम इस पर कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए मैं यहाँ पे रेड येलो ऑरेंज कलर यूज़ करूँगी। तो इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा ब्राइट रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्राइट कलर का यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है एंड देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो एंड हमारा सूजी भी बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है, तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड निकल के आया है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो गाइज अभी हमारे वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं ये यूज़ करने वाली हूँ एंड ये एक वॉल क्लॉक है जो कि ख़राब हो गया था, तो ये वेस्ट पड़ा हुआ था घर में। तो अभी मैं इसका यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर भी मैंने क्ले का यूज़ करके यहाँ पे छोटा छोटा डिज़ाइन बनाया है, सर्कल बना के यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। तो अगर आप लोगों के घर में भी कोई वेस्ट चीज़ है तो आप उसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इस पर कलर का शेड दूँगी जिससे कि ये हमारे बैकग्राउंड से मैच करे। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर का यूज़ किया है सबसे पहले, जो हमारी बाउंड्री बनी हुई है। एंड देन मैं यहाँ पे ब्लू एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन बनाऊँगी जो हमने छोटे सर्कल्स बनाए हैं उसको करने के लिए। एंड इसके बाद यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ करके मैं डिज़ाइन को कवर कर दूँगी। तो ये डिज़ाइन बहुत ही बारीकी से बने हुए हैं, तो मुझे बहुत ध्यान से करना पड़ रहा था। अब मैंने यहाँ पे येलो कलर का यूज़ किया है, जो बचा हुआ डिज़ाइन है हमारा उसको भी मैं फिल कर दूँगी येलो कलर का यूज़ करके। तो इस डिज़ाइन में मैंने येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन को वाइट में मिक्स करके एक लाइट सा शेड बनाया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इस शेड को मैंने बचे हुए सर्कल्स पे कर दिया है एंड ये कलर थोड़ा ज़्यादा बन गया था, तो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। जो बचा हुआ डिज़ाइन था उसमें मैंने इसको फिल कर दिया। तो ये वाला शेड हो चुका है, मैं दूसरा शेड बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने पिंक कलर बनाया है, बेबी पिंक। तो इसको भी मैं बचे हुए डिज़ाइन में फिल कर दूँगी और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब आप देख सकते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसको करने में। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड देन ये हमारा बैकग्राउंड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मल्टी कलर के स्टोन्स को उन सर्कल्स के ऊपर पेस्ट कर दूँगी, तो इससे बहुत अच्छा लुक आ रहा था। एंड इसके बाद अभी हम अपने गणेश जी को अपने बैकग्राउंड पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने टू साइडेड टेप का यूज़ किया है, आप फेविकोल से भी पेस्ट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद अब हम अपने बैकग्राउंड को उस क्लॉक में फिट कर लेंगे। तो आप लोग इसको ऐसे भी वॉल पे लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं कहीं पे भी, बट मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया है, तो मैं इसको इसमें एडजस्ट कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें फ़िट कर दिया इसको, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी। If you like this video, then please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button. You can follow me on Instagram and Facebook also. Thank you so much for watching.